अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं और मेरी फैमिली जो हैं मेरी सिस्टर के घर पे इफ्तार पार्टी में इनवाइटेड हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसमेंट से ऊपर किचन की तरफ जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि किचन में क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं और क्या क्या बन रहा है। अब हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ छोलों और पकोड़ों के लिए चटनी तैयार हो रही है। यहाँ पे दूसरी तरफ छोले भी बॉईल हो चुके हैं, अब इसमें दूसरे मसाले और चटनियाँ भी डाली जाएंगी। अब छोलों के अंदर हरा मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। हरे मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चाइनीज सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं और इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। और अब दूसरी तरफ हमारी सिस्टर जो हैं वो दही बड़ों के लिए दही रेडी कर रही हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें हरा मसाला ऐड किया जा रहा है। दही बड़ों का दही बिल्कुल रेडी हो चुका है। पकोड़ों के लिए बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर पकोड़े बनना स्टार्ट हो रहे हैं। वक्त कम होने की वजह से फ्रूट को काट कर और जूस बनाकर पहले ही फ्रिज में रख दिया गया है। पकोड़े तकरीबन बिल्कुल फ्राई होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है ये छोले भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये हमने छोलों के लिए हरा मसाला वगैरह काट के पहले ही रख लिया था। किचन में इफ्तार की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और सब लोग अपना काम ख़त्म करके ऊपर छत पे इफ्तार के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग भी छत पे चलते हैं जहां पर इफ्तार के लिए दस्तरखान लगाया जा चुका है। अब हम सेकंड फ्लोर से होते हुए छत पे जा रहे हैं जहां पर तमाम लोग जमा हो चुके हैं अपना रोज़ा इफ्तार करने के लिए। अब हम तकरीबन छत पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग बैठकर बेचैनी से रोज़े के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करेंगे।
अजानें होना शुरू हो चुकी हैं और लोगों ने अपना रोज़ा खोलना शुरू कर दिया है और यहाँ पर हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब लोग एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। सब लोग रोज़ा इफ्तार करके नमाज के लिए चले गए हैं और बच्चे जो हैं वो छत पर अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। इफ्तार के बाद चाय का भी इंतज़ाम किया गया है। तो ये था हमारा इफ्तार व्लॉग मेरी सिस्टर के घर पर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।